पैदल चलते हो? मजाक कर रहे हो क्या भाई? पैसा कैसे कमाते हो? माँ बाप सपोर्ट करते हैं? कितना और चलोगे? शादी का क्या प्लान है? भगवान सचिन होते हैं? ऐसे पता नहीं कितने सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं यवति गौर और आप देख रहे हैं दी अनफोल्डिंग प्ले। पिछले 1.5 साल से मैं करीब 5000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका हूँ। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, सिक्किम, गोवा, 5000 किलोमीटर से ज्यादा। पर आगे बढ़ने से पहले मुझे लगा कि मुझे अपनी कहानी आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। वो कहानी जो 5000 किलोमीटर की नहीं, भारत के कल्चर, लैंग्वेज, उसका खाना, स्टीरियोटाइप्स और एक ऐसी जर्नी की जो टफ तो है पर अद्भुत है। आज से मैं आपके हफ्ते में 5 दिन के रोज 5 मिनट लूंगा अपनी कहानी बताने के लिए और बताने के लिए कि हमारा देश कितना सुंदर है। सितंबर 1, 2020 वो दिन है जब मैंने पैदल चलना चालू किया। बिना कुछ सोचे समझे मैं ऋषिकेश से केदारनाथ की तरफ चलने लगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैं जब ऋषिकेश में 1.5 महीना रहा तो मेरे दिमाग में एक ही तस्वीर आती थी जो केदारनाथ की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना केदारनाथ जाएंगे। पर मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बोला कि काफ़ी अलग अलग मोड है जाने की। बस से जा सकते हो आप, हिचाइक करके जा सकते हो आप, बाइक राइड करके जा सकते हो। पर जितने भी सारे मोड थे केदारनाथ पहुंचने के, वो मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम पे एक्सपेंसिव थे और मुझे लगा कि मैं अगर एक बैकपैकर, मैं पिछले 5 साल से वैसे ट्रैवल कर रहा हूँ और अगर मैं एक बैकपैकर हूँ तो मैं इतने पैसे में काफ़ी ज़्यादा जगह घूम सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक दिन एक पॉइंट आया कि क्यों ना पैदल चला जाए। तो ऑफकोर्स घर वालों से परमिशन लेके, घर वालों के सपोर्ट के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना पैदल चल के देखें। तो सितंबर 1, 2020 को दिन है जब मैं ऋषिकेश से केदारनाथ की तरफ निकला। एक कैंप, स्लीपिंग बैग, कुछ कपड़े, पानी की बॉटल और कुछ नहीं। उसके अलावा सिर्फ काफ़ी सारा जोश, आई थिंक काफ़ी सारा जोश। मैंने निकलने से पहले सोचा नहीं था कि जर्नी इतनी डिफिकल्ट होने वाली है, पर जब आप जर्नी कंप्लीट करते हो तो उसका अलग ही एक मज़ा है। ऋषिकेश से केदारनाथ की तरफ बढ़ते हुए मैं पहले दिन अराउंड, मेरा वन ऑफ द मोस्ट वॉक्ड डे में से है पहला दिन पूरे 1.5 सालों में। मतलब मैं मैक्सिमम आई थिंक एक दिन में 55 किलोमीटर अराउंड चलाऊँ और मिनिमम जो है मैं अराउंड 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलाऊँ। तो बिकॉज मेरा कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होता है कि मैं यहाँ पे ही रुकूंगा, मुझे इतने ही किलोमीटर चलना है। मैं बिकॉज मैं पैदल इसलिए नहीं चल रहा हूँ कि मैं कहीं जल्दी पहुँच सकूँ, और इसलिए तो 52 किलोमीटर्स वॉज माई फर्स्ट डे जब मैं ऋषिकेश से केदारनाथ की तरफ बढ़ा। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और मुझे कमेंट करके, सपोर्ट करके बताओ कि आप मेरी कहानी सही में सुनना चाहते हो। तो फिलहाल के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, आई एम सॉरी, आज यही है। पर मैं ऋषिकेश से अगले दिन कहाँ पहुँचा, क्या हुआ और पहला दिन जब मैंने वॉक चालू किया उस दिन क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा कल आपके 5 मिनट देखिए।